वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो ऑन डिमांड लेक्चर पर है, जो कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट डिमांड की थी। वो है वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर एडिशन भी आ जाती है, और वेक्टर्स के जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट हैं उनको एडिशन करना, उनसे रिजल्टेंट निकालना, और दो डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालना सब कुछ आता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पर हम एक वैक्टर ड्रॉ करते हैं A1, और इसी के ऊपर हम एक दूसरा वैक्टर ड्रॉ करते हैं जिसकी डायरेक्शन चेंज है, और A2। अब इस वेक्टर का एंगल है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, और इस वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल है 60 डिग्री। अब ये हमें दो वेक्टर्स ऐड करके इसका थर्ड यानी के रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, जो कि ए है। फॉर एग्जांपल, इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा कि ए इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। अब A1 एंड A2 जो ये वेक्टर फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पर इस वक्त इसकी डायरेक्शन पता है, और फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड है, A1 का मैग्नीट्यूड है 5 एंड A2 का मैग्नीट्यूड है फॉर एग्जांपल 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हम A1 जो कि अब A1 अगर हम देखें तो A1 बराबर होगा A1 एक्स प्लस A1 वाई, और जो A2 होगा वो बराबर होगा A2x और A2y। अब सबसे पहले हमें A1 के x कंपोनेंट निकालना है, एंड A2 का भी x निकालना है, y भी निकालना है, एंड A2 का y भी कंपोनेंट निकालना है। अब A1 जो x है वो बराबर है A1 कॉस थीटा के। अब अगर बिगनर्स के लिए देखें तो उनको यहाँ कन्फ्यूजन होगी कि कॉस थीटा किस तरह आया। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें और उसका एंगल यहाँ थीटा रखें, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। तो जो कॉस थीटा होता है वो बेसिकली बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसका यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करूँ, A1x, और ये A1 है, ये A1x है, तो ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि A1x डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो A1 जब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A1x बराबर आ जाएगा A1 कॉस थीटा के। इसी तरह जो A2x होगा वो बराबर होगा A2 कॉस थीटा, और A1y सिमिलरली बराबर हो जाएगा A1 साइन थीटा के। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करूँ जिसको हम A1y कहते हैं, तो ये A1y बराबर हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A1। तो A1y डिवाइडेड बाय A1 साइन थीटा के बराबर हुआ, तो A1 वहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो A1 साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे A2y भी बराबर हो जाएगा A2 साइन थीटा के। अब होगा क्या कि हम जब A1x फाइंड कर लेंगे, A2x फाइंड कर लेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और A2x यहाँ पुट कर देंगे और A2y यहाँ पुट कर देंगे, और तो उसके बाद होगा ये कि ये जब A1 निकला है, A2 निकला है, फिर वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकल आएगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं जी A1x। A1x का A का मैग्नीट्यूड है A1 का 5 cos 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सिमिलरली जो A2x है वो बराबर है 4 cos 60 डिग्री। इन दोनों से कुछ वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरह A1y A2y 5 sin 30 डिग्री एंड 5 cos, एक मिनट, ये आपका आ गया 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका sin 60 डिग्री, एंड ओहो
और 60 डिग्री, ये ठीक था। एंड 5 साइन 30 डिग्री एंड 5 कॉस साइन 60 डिग्री, जो कि आपका यहाँ पर ए टू एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 5 sin 60 डिग्री। एंड यहाँ पे जो हमारे पास ए वन का जो एंगल है वो 30 है, तो 5 sin 30 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास इन चारों के मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे। हम ए वन एक्स जब ए टू एक्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास ए का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि जो ए मेन ए है उसका एक्स लें तो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, और जो ए वाई है मेन मेन वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो है दोनों वेक्टर्स का हम ऐड करेंगे तो ए टू वाई के बराबर। तो ये दोनों वेक्टर ऐड किए जाएंगे तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा और ए वाई आ जाएगा। अब ए पूरे का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा इस ए का जो निकला है ए एक्स स्क्वायर से और ए वाई एक्स स्क्वायर से, जो कि इस पूरे का एक्स कंपोनेंट है और इस पूरे का वाई कंपोनेंट है, और ये पूरा एक्स कंपोनेंट निकला है इस ए वन का एक्स ऐड किया है इस ए वन के एक्स में, एंड इस ए टू का वाई ऐड किया इस ए वन के वाई में, तो ये निकला। अब ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह इसकी अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है कि ये बड़ा वाला ए क्या एंगल बना रहा है, तो वो उसका फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। इसी राइट एंगल ट्राइंगल को ले लें, और अगर आप परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ए वाई आपका परपेंडिकुलर है, ए एक्स आपकी बेस है, तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और थीटा इस तरह बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स उधर चला जाएगा ए वाई बाई ए एक्स के। और किसी भी हवाले से वेक्टर्स फॉर्म के हवाले से अगर आपको कोई लेक्चर एंड डिमांड हो तो काइंडली कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से रब्ता कीजिए। थैंक यू।